Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Bhumi Mathur, teenager 16 years old, and this is my new video. So welcome back to another vlog. Today is kind of a daily life vlog because I really don't have any much things to do. I mean, I have a lot of things to do, but it's kind of a home vlog. So घर पे ही हूँ आज मैं. So मेरे exams finally finish हुए हैं, and now today is 16th of March. मेरे कल सारे प्रैक्टिकल्स फिनिश हुए हैं. तो आज छुट्टी है तो नहीं, पर मैंने लिए तो मैं नहीं गई हूँ कॉलेज. एंड आज रात तक मॉम डैड नहीं, ओनली अनन्या एंड मम्मा आ रहे हैं. सो टिल देन मुझे बहुत सारा काम करना है, क्योंकि अभी तक जब तक प्रैक्टिकल्स चल रहे थे मैं कॉलेज जा रही थी. मैंने आधा आधा काम कर रखा है, जितना जितना होता था मुझसे. ऊपर वाला जो मेरा रूम है उसमें भी आधा क्लीनिंग करके छोड़ा हुआ है मैंने, आधे से भी काम. उसमें बहुत सारा काम बचा है. और इस रूम का, क्योंकि मॉम डैड यहाँ स्टे करेंगे, वो ये उन्हीं का रूम है जिसमें मैं स्टे करती हूँ, इसका मैंने थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर दिया है दादी ने मेरे साथ. थोड़ा बहुत नहीं, ऑलमोस्ट पूरा कर दिया है. ये एरिया पूरा क्लीन कर दिया है और बस अब बेडशीट्स और बेड कवर्स चेंज करने. So go and I mean come around with my day. Let's see ya. You guys need to see this. This is the condition of my room. मैंने ये area पूरा clean कर दिया था. I've sorted things out. And कल मैंने I cleaned this rack and it was turned for this rack yesterday. कल सिर्फ एक रैक क्लीन करने के चक्कर में पूरा वापस मेस में हो गया. उसे सारे से जमा के रखना है. सॉर्टेड सब है. ये मेरी पेंटिंग्स है, ये मेरा पढ़ाई का सारा है जो सेकेंड सेम में है. वहाँ पे मैंने जो रद्दी में देना है वो रख दिए है. यहाँ पे कुछ यूजलेस स्टफ है और इसमें शायद से जो सब मेरी स्केच बुक्स है ये मैं रखूँगी. ये पूरा पेंटिंग का है. तो आई हैव अ होल गेम प्लान. पेंटिंग का मैं सबसे एंड में करूँगी, क्योंकि मेरे को पूरा अपने हिसाब से करना है ये. और ये सब कुछ खाली करना है, मुझे खाली स्पेस चाहिए. मुझे सिर्फ एक ही बेड चाहिए. देखते हैं अभी कैसे करना है, कि बेड को इधर से उधर कैसे ले जाना है. ये सारे पापा के इंजीनियरिंग की बुक्स है जो मैंने जब एडमिशन लिया था उस टाइम निकाली थी पापा ने मेरे को पढ़ाने के लिए और थोड़ा आइडिया देने के लिए. सब कुछ हटाना है, सिर्फ मेरा पेंटिंग्स का होगा पूरा का पूरा. और जो बाकी होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ मेरी पढ़ाई का, और कुछ नहीं होगा इस रूम में. जैसे ऑलरेडी यहाँ पे बहुत कुछ है. इधर पापा की बुक्स है, इधर पता नहीं कौन कौन सी पुरानी बुक्स मेरे रूम में रख रखी है जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है. इन सबको रद्दी में बेचना है. ये पता नहीं किस किस के कार्टन्स है, पुराने यानी क्या क्या चीज़ें हैं, सबको फेंकना है. पहले तो पंखा चलाओ, सॉरी लाइट नहीं, पंखा. ये मैंने थोड़ा सा अपना बोर्ड बना दिया यहाँ पे, तो सब सेट कर दिया था. ये सेट करके डालना है. ये मेरी बालकनी, अरे बालकनी का व्यू. बस हो गया, बाय कर दे अंदर चल. एक सेकेंड. ओके सो वेलकम बैक. तो अभी करंट के बज रहे हैं कुछ 5:30. माय मिस्टेक, 6:00 5:53 हो रहे हैं. और मैं नहा के आई हूँ, जस्ट नहा के मैं डायरेक्ट ऊपर ही आ गई अपने रूम में, क्योंकि अभी भी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है ये सफाई करना. मेरे को लगता नहीं है ये हो भी पाएगा मुझसे, क्योंकि क्या सफाई हो गई है
बस मेरा पेंटिंग वाला साइड बचा है, इधर वाला जो पेंटिंग्स को बस साफ करना है, डस्टिंग करनी है और जमाना है। लेकिन जो मैस यहाँ हो रखा है, जो मेरे रूम से अब ले जाना है, इसमें बहुत बड़ा उलझन है, क्योंकि एक जो है वो मम्मा की बुक्स का है, एक मेरी और अनन्या की पुरानी बुक्स का कार्टन है, ऐसे कम से कम 2-3 कार्टन है। और मेरे को आइडिया नहीं है कि अब इसको नीचे ले जाना है या कहीं वापस से अंदर रखना है, रद्दी में देना है या क्या करना है। चाचा चाची कहीं बाहर गए हुए हैं, रेहान से सो रहा है, दादा दादी नीचे हैं, और करंट अपडेट मम्मी और अनन्या का, वो लोग आई गेस रास्ते में है, 6 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट पे मुंबई, एंड देन वहाँ से उनकी फ्लाइट 9:30 के आसपास की है, 9:30 के आसपास की है, तो इट मीन्स ऑलमोस्ट 11:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे और 12 बजे घर पे पहुँचेंगे। तो मेरे को अभी कुछ आइडिया नहीं है कि मैं लेने जाने वाली हूँ साथ में या नहीं, उस हिसाब से देखते हैं। दादा नीचे पता नहीं क्या कर रहा है। सो फार दिस इज द हुलिया ऑफ माई रूम, मतलब अभी तक, ओके। हाँ, सो फार एक बात, आई क्लीन माई बेड, आई जस्ट अरेंज्ड माई शेल्फ फुल्ली विथ माई पेंटिंग्स, माई पेंट स्टफ, माई बुक्स एंड सम एक्स्ट्रा स्टफ, एंड दिस अनदर सम पेंटिंग स्टफ्स, मेरी कुछ स्केच बुक्स, एक एक्सेप्शनल पेंटिंग, इनको स्क्रम्बल किया हुआ है, सिर्फ अभी तय नहीं किया, इनको ढंग से तय करके रखूँगी मैं। एंड इधर कुछ और एक्स्ट्रा मेरी स्केच बुक्स है, नीचे कुछ और वापस से पेंटिंग का सामान है, मेरे ट्राईपॉड का कवर, न्यूज़पेपर्स एंड सम एक्स्ट्रा स्टफ, और मेरे रूम में अभी ये सारी चीज़ें बाहर ले जानी है, कल सफाई हो जाएगी तो होपफुली उसके बाद क्लीन लगे। मेरी टेबल थोड़ी सी और साफ़ कर दूँगी मैं, ये चीज़ें हटा दूँगी और ये थोड़ा सा और साफ़ हो जाएगा तो होपफुली अच्छा लगेगा। और मेरा बेड ये वाला, ये पापा की बुक्स एक इसमें कार्टन में डाल दिया, ये बेड थोड़ा क्लीन कर दूँगी, ये बेड भी क्लीन कर दूँगी। और अब मैं सीरियसली बहुत थक गई हूँ, अरे पजामा दोपहर कर ले, ये सेम हो जाएगा, कुछ और कर इधर इस एरिया में कर, अरे नहीं मैं ऐसा कर, पहले करके दिखा, हम ऐसा नहीं करता हूं, ये रहेगा ऐसे बना ले, तू इधर छोटी बना ले इसका। हां रियान, वो मेरे को नहीं आता बनाना, एक काम कर, वो ऐसे मत कर, चल के मत आ, वो मैं बनाऊं, हां तू बना, यहीं खड़ा रहे और मैं शूट करूंगा, वैसे देख ऐसे देख, ठीक है, क्या पजामा कर क्या, और यूं घूमना, यूं चश्मा लगाना किया तो ठीक है, फाइनली क्यों तो, लेकिन मेरे को करनी आखी है, आ रहे हो तो आज है बड़े की तेरस और हमारे घर पे बन रहा है कचोरिया दही बड़े, मैं वो हो गई बीच में, और पकोड़े है ना, पकोड़े बनेंगे और चाचा बड़े तरने में हेल्प कर रहे चाची की, और उधर हो रही है तारी, मम्मी का कंफर्म हो गया ना, मम्मी की तबीयत का टाइम है, मम्मी की फ्लाइट 11:30 तो कहेगी, और ये रहे हमारे सारे पकवान होली के, क्या अरे ए, वहां मिल रहा है वैसा, उस काउंटर पे वहां से ले लीजिए, मेरा पैसे काट दूंगा, वो कैसे दादा की नहीं से बोल रहा है, मेरा आज कल सो ऑलमोस्ट टाइम हो गया है मम्मा और अनन्या की फ्लाइट का, तो हम लोग भी जा रहे हैं पिक अप करने।
किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। हम घर वापस आ गए थे। हम घर आ रहे हैं यार, बोलने दो मेरे को। नहीं बोलने देंगे, हम नहीं बोलने देंगे। आपके सामने ज्यादा नौटंकी कर रहा है ये। हम घर वापस आ गए थे और आते ही मेरी हालत खराब होना चालू हो गई। तो आंख ऐसे सूज गई वापस से और मेरा दांत दुख रहे तो बुरा वाला, तब बुरा वाला गुस्सा आ रहा है, बोला भी नहीं जा रहा। बच्चे का नाम दुख रहा है, चलो आराम से ब्रश करो, भागो। हम एक चॉकलेट लेके विलेज कॉल करते हैं। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय। Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love.